हे गाइस, होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर मिस्टर वीरेन सिंह, एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूं एक नया वीडियो। बात करने वाले हैं कि इस वीडियो में आप किस चीज के बारे में चर्चा कर सकते हैं और क्या स्टडी कर सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। जी हाँ, देखने की कोशिश करें तो कौन सा टॉपिक है हमारे पास, दैट इज क्या एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा कठिन है। सवाल यह आ जाता है कि क्या CSIR UGC नेट परीक्षा कठिन है। सवाल आप देखो, कठिनाई और इजी, इसके ऊपर बात करने से पहले एक छोटी सी जो है एनालॉजी के ऊपर बात करते हैं कि अगर मैं बोलूं एक इंसान है कि आपको जो 400 मीटर की रेस दौड़नी है, वो 400 मीटर की रेस जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 15 सेकंड में दौड़नी है, और किसी एक पर्टिकुलरली पर्सन के लिए ये पॉसिबल भी है, जैसे मान लो 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, वॉट एवर इट इज, उसैन बोल्ट कर सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए मुश्किल लगेगा। अब ये किसी भी, कई बार है तो किसी के पास किसी की कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल एक और लेते थे, आपसे बोला जाए आपको आज 10 रोटी खानी है लंच में या डिनर में, आप शायद ना खा पाए, लेकिन कोई एक बंदा है जो खा सकता है 10 रोटी। तो आखिर ऐसा क्या है जो कि 10 रोटी खाने के लिए उसको उत्सुक कर रहा है? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ता है कि कठिनाई जो है कहीं ना कहीं कहां से आ रही होती है, आपके ब्रेन से। कठिनाई कहां से आ रही है, आपके ब्रेन से आ रही है। ऐसा कुछ कठिनाई का प्रश्न नहीं है कि कठिनाई होता है कि नहीं होता, इसकी बात करें तो कठिनाई आती है आपके ब्रेन से। ब्रेन से का मतलब यह है कि हमें अपनी कैपेबिलिटी पता होती है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है ना, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है। वी नो दैट अवर कैपेबिलिटी कि हम एक रोटी खा सकते हैं, दो रोटी खा सकते हैं, तीन रोटी खा सकते हैं, और जब हमें इतना पता होता है तो हमें जो है पता होता है कि कोई चीज कितनी है। कठिनाई का जो यह प्रश्न होता है, कहीं ना कहीं यह डिपेंड करता है द लैक द गैप बिटवीन योर करेंट स्टेट एंड वॉट यू वॉन्ट टू बिकम। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहां पर हैं अभी, आपके करंट स्टेट का आपका नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पे है, और आपको जाना कहां पे सीएसआर क्रैक करने के लिए, यहां तक। जब तक आप इस एनर्जी स्टेट पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आप सीएसआर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई एटम होता है, मानते हैं कि सीएसआर क्वालिफाई करने के लिए कम से कम इतना जो है स्किल तो चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल हो, या कोई भी स्किल हो, ये तो चाहिए। तो क्या करेंगे फिर, इसी चीज को आपको समझने की कोशिश करना है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हमें कठिनाई की बात आती है तो कठिनाई कुछ नहीं होता, जितना ज्यादा ये गैप होगा उतना आपको कठिन लगेगा, जितना कम गैप होगा उतना इजी लगेगा। तो आप पर्सनल, आप अभी किस स्टेट पे, आपका जो करंट स्टेट है, करंट जो आपका स्टेट है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका करंट स्टेट जो है वो जितना डाउन होगा आपको उतना ऊपर जाने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और करंट स्टेट अगर आपका कम होगा तो ऊपर जाने के लिए कम। जैसे कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ज्यादा एनर्जी चाहिए, और पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कम चाहिए, इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से जो है ट्रांजिट कर पाता है। तो ये जो एनर्जी गैप होता है ये डिसाइड करता है कि कितने एफर्ट की जरूरत है। सिग्मा के लिए ये जो कठिनाई बढ़ जाती है कि सिग्मा को यहां तक जाना है भाई, सिग्मा को यहां तक जाना है, और यही तो कपंगा है। अब इसी चीज को समझना है कि पाई के लिए एनर्जी गैप कम है, तो आप क्या करना है कि आपको अपने प्रिपरेशन में अपने आप को एनालाइज करना है। ये कठिनाई जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, नहीं होने का मतलब होता जरूर है, डिक्शनरी में मिल जाएगा, हार्ड, टफ, बहुत ही अनअचीवेबल, इम्पॉसिबल, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, अनक्रैकेबल, बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे जहां पे टर्म्स आएंगे, नहीं हो सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं वीक हूं, मुझे नहीं आता, मैंने कभी नहीं पढ़ा, मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, मैथमेटिक्स नहीं आते, मुझे ये नहीं आता, मुझे, देयर इज लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस। अब सवाल यहीं पे आता है कि देखो, जो कठिन है, जिसके लिए एनर्जी गैप कम है उसके लिए तो इजी लग रहा है भैया, उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, जिसके लिए ये एनर्जी गैप ज्यादा है उसके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। कठिन नहीं है, डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है। अब मुश्किल है तो उसके लिए उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो उस चीज को, एनर्जी को कम करने के लिए रीजन ढूंढे,
कि भैया मुझे करना है ये एनर्जी गैप कम, या तो दूसरा एक्सक्यूज ढूंढे कि मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, कुछ ऐसी बातें करे वो। तो इट टोटली योर चॉइस। सीएसआईआर एग्जाम कठिन है नहीं है ये तो कोई नहीं, सबके लिए एग्जामिनेशन का पेपर, क्वेश्चन का पेपर सबके लिए बराबर होता है। आपके लिए ऐसा नहीं कि अमीनो एसिड के पीआई का क्वेश्चन अलग आ रहा है और किसी और स्टूडेंट्स के लिए अलग आ रहा है। स्विफ्ट की अगर अलग बात कर लूं तो ठीक है ना, आजकल तो स्विफ्ट में एग्जाम हो रहा है, ये कंडीशन है। बट जनरली क्वेश्चन पेपर जिस स्विफ्ट की बात करें, सारे स्टूडेंट जो उस स्विफ्ट में अपियर हो रहे हैं उनके लिए तो बराबर है। तो अंतर कहां से आ जाता है? अंतर आपके स्टेट में आ जाता है। अब जो इंसान इसको इंप्रूव करना चाहेगा उसके लिए कुछ कठिन नहीं है, उसके लिए रीजन है, उसके लिए वजह है मुझे क्यों करना है। और जिसके लिए ये रीजन या एक्सक्यूज जो है वो बनेगा कि नहीं यार मेरे को नहीं आता, मुझसे नहीं हो पाएगा, न्यूमेरिकल्स, एप्टीट्यूड, ऐसे कुछ चीजें, उसके लिए जो है ये डेफिनेटली कठिन होने वाला है। तो अल्टीमेटली इस वीडियो का सार क्या था कि सीएसआईआर का परीक्षा कठिन नहीं है, कठिन लगता भी है लेकिन कठिन नहीं है। कठिन तब हो जाएगा जब आप इंप्रूव करना नहीं चाहेंगे, कठिन तब हो जाएगा जब आप बहानों के पीछे भागेंगे, वजहों के पीछे नहीं कि आपको क्यों कम करना है उस कठिनाई को। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू ट्राइड इन दैट वे टू मेक इट पॉसिबल। हर एक चीज पॉसिबल है अगर आप उस तरीके से उसके लिए कोशिश करें पॉसिबल बनाने के लिए, यह भी पॉसिबल है। आप यहां से यहां पहुंच सकते हैं। कैसे? इन सब चीजों के ऊपर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इन ओवरऑल कंक्लूजन, थोड़ा तो डिफिकल्ट है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। वो थोड़ा डिफिकल्ट कैसे पता चला? आप कहां पे है आपके बेसिस पे। आप ज्यादा नीचे हैं, एनर्जी गैप ज्यादा, तो डेफिनेटली बात है कठिनाई पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।